हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ सैमसंग के कुछ टॉप बेस्ट अपकमिंग मिड रेंज स्मार्टफोन्स के बारे में, जिन्हें सैमसंग दिसंबर या फिर जनवरी के मंथ में लॉन्च करने वाला है। सैमसंग बहुत ही जल्दी अपनी मोस्ट पॉपुलर ए सीरीज और एम सीरीज के स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करेगा, जिन्हें सैमसंग इस बार बेस्ट चिपसेट के साथ लेके आने वाला है। हालांकि प्राइस आपको इन स्मार्टफोन्स की थोड़ी ज्यादा देखने को मिल सकती है, लेकिन इस बार ये स्मार्टफोन क्वालकॉम स्नैपड्रैगन प्रोसेसर के साथ में लॉन्च होंगे। तो गाइस, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सैमसंग के अपकमिंग मोस्ट पॉपुलर स्मार्टफोन्स की सभी डिटेल्स के बारे में। उम्मीद है गाइस ये वीडियो आप सभी को पसंद आएगा, तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना ऐसी कमाल की टेक वीडियो सबसे पहले दिखते रहने के लिए। तो गाइस, लिस्ट में सबसे पहला स्मार्टफोन है गैलेक्सी M54 5G, जिसे सैमसंग इंडिया में बहुत ही जल्दी लॉन्च करने वाला है। कुछ दिन पहले ही इस फोन की सभी डिटेल्स को लीक किया जा चुका है। ये सैमसंग का एम सीरीज का अब तक का सबसे मोस्ट पावरफुल 5G स्मार्टफोन रहने वाला है। इसके कुछ मेन हाईलाइट फीचर्स की बात करें तो गाइस, इस फोन के फ्रंट में इन्फिनिटी ओक का डिजाइन में 6.67 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड प्लस डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 90 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट, HDR10 और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के साथ आएगी। वहीं ये स्मार्टफोन इस बार क्वाड रियर कैमरा सेटअप की जगह पे ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ ही आने वाला है। इसमें मेन कैमरा 64 मेगापिक्सल का होगा, सेकेंडरी 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और लास्ट में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर लगा होगा अलोंग विद LED फ्लैश लाइट, और इसके फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। इसके अलावा इस फोन में 6000 mAh की बड़ी बैटरी होगी, जो कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, और परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 चिपसेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, जो कि एक फ्लैगशिप कैटेगरी का चिपसेट है। तो परफॉर्मेंस को लेकर गाइस आपको इस फोन में कोई भी इशू देखने को नहीं मिलने वाला। प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो गाइस, इस फोन का लॉन्च में दिसंबर एंड तक देखने को मिल जाएगा और इसके 20 वेरिएंट की प्राइस 35,000 रुपये के अराउंड होगी। वहीं लिस्ट में अगले दो स्मार्टफोन है ए सीरीज के, गैलेक्सी A34 5G और गैलेक्सी A54 5G। इन दोनों स्मार्टफोन्स का लॉन्च हमें एक साथ देखने को मिलेगा। इन दोनों फोन्स का टेस्टिंग फेज भी स्टार्ट हो चुका है, यानी कि ये स्मार्टफोन बहुत ही जल्दी इंडिया में लॉन्च होने वाले हैं। सबसे पहले गैलेक्सी A54 5G के कुछ मेन हाईलाइट फीचर्स की बात करें तो इस फोन के फ्रंट में भी इन्फिनिटी ओ कट डिजाइन में 6.5 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, जो कि 120 हर्ट्ज हाई रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन के सपोर्ट के साथ आएगी। ये फोन भी इस बार रियर में ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ ही आने वाला है। इसमें 50 मेगापिक्सल का मेन सोनी IMX766 सेंसर लगा होगा, जो कि OIS यानी कि ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन सपोर्ट के साथ आएगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और लास्ट में 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर लगा होगा अलोंग विद LED फ्लैश लाइट, और फ्रंट में 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। इस फोन में 5100 mAh की बड़ी बैटरी होगी, जो कि 25 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करेगी, और परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में भी क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 चिपसेट का सपोर्ट देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी पावरफुल 5G चिपसेट है। वहीं जो गैलेक्सी A34 5G है, इस फोन में 6.4 इंच की फुल HD प्लस सुपर एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलेगी, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट और गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन का सपोर्ट होगा। ये फोन भी इस बार ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप के साथ ही आने वाला है। इसमें 50 या फिर 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा, जो कि OIS सपोर्ट के साथ आएगा। इसके अलावा 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा और 5 मेगापिक्सल का मैक्रो शूटर लगा होगा, और इसके फ्रंट में 20 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा होगा। ये फोन 5000 mAh की बड़ी बैटरी के साथ आएगा, 25 वाट की फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होगा, और परफॉर्मेंस के लिए इस फोन में भी आपको सेम स्नैपड्रैगन 7 Gen 1 चिपसेट देखने को मिल सकता है। प्राइस और लॉन्च डेट की बात करें तो गाइस, इन दोनों स्मार्टफोन का लॉन्च हमें जनवरी मिड तक देखने को मिल जाएगा। गैलेक्सी A34 5G की प्राइस 30,000 रुपये और गैलेक्सी A54 5G की प्राइस 35,000 रुपये के अराउंड देखने को मिल सकती है। तो गाइस, सैमसंग बहुत ही जल्दी इन टॉप 3 स्मार्टफोन्स को इंडिया में लॉन्च करने वाला है। बाकी गाइस, आप मुझे नीचे कमेंट्स करके जरूर बताना कि आप इनमें से किस स्मार्टफोन के लिए सबसे ज्यादा एक्साइटेड हो, बताना जरूर कमेंट्स करके। तो दोस्तों, बस आज की फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम यहाँ पर रोजाना ऐसी कमाल की टेक वीडियो सबसे पहले लाते रहते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।